बडीज, तो फुटबॉल बडीज में आपका स्वागत है और हमारी नई वीडियो आ रही है जगलिंग के ऊपर। तो जगलिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले बॉडी पार्ट और दूसरी चीज किन स्टेप्स से हमें जगलिंग को करना है। जैसे कि हमने रेनबो फ्लिक में बताया था तीन स्टेप्स, और तीन स्टेप्स में आप रेनबो फ्लिक को सीख पाए थे, तो इस वीडियो में भी हम आपको तीन स्टेप्स में जगलिंग बताएंगे कि जगलिंग को आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट, फुटबॉल के अंदर बॉडी का हर पार्ट हम यूज कर सकते हैं बेसिकली जगलिंग के लिए, एक्सेप्ट योर हैंड, क्योंकि हैंड तो फाउल हो जाता है। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं कौन से बॉडी पार्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट हो गया, इसका हम जनरली ज्यादा यूज करते हैं। थाइज हो गई, थाइज भी बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं अपने बॉल को आपको डाउन लाने के लिए। ये पार्ट होता है जब बॉल शिफ्ट हो जाए तो हम उसे बैक पोजिशन में लाने के लिए। अब आते हैं हम तीन इजी स्टेप जिनकी मदद से हम जगलिंग को कर सकते हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी, पहले स्टेप है किस बॉडी पार्ट से हमें बॉल को हिट करना है, और बॉल को इस टाइप से हिट करना है कि बॉल ऊपर जाए, ठीक है, ना आगे जाए ना पीछे जाए, ठीक है, उसका ध्यान लेना है। ठीक है, तो जैसे ये है, अगर हम ये पार्ट यूज कर रहे हैं ना, तो समझ लो जो हमारा ना क्या कह सकते हैं, हल्का सा टिल्ट करके फ्लिक करके अपने पाँव को मारना होता है। पहली स्टेप में फ्लिक कर लेग, ठीक है, तो जो लेग है उसे हल्का सा फ्लिक करना है कि बॉल ऊपर आए। जैसे देखिए ऊपर आई, तो बस क्लिक करो, बॉल आगे इधर उधर जाएगी, और तुम्हें एक बार में 30 मार खानी बनना है कि एक ही बार में मैं सोच रहा हूँ कि मैं जगलिंग सीख जाऊँ, ना बिल्कुल ना। क्या करना रहेगा, एक बार मारो बॉल को पकड़ लो, बॉल किधर भी जाए, मानो मेरी भी कहीं भी जाएगी, तो मैं बस क्या करूंगा, एक बार मारो चलो बस सीधा, कहीं भी जाए कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या करो कि जो बॉल है उसे रिवर्स डायरेक्शन में, और फिर बॉल कहीं भी जाए उसकी भी हमें टेंशन नहीं लेनी, बस बॉल को रिवर्स डायरेक्शन और उठा लो बस, ठीक है, उसकी दिक्कत मत करो क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि जो बॉल है तुम्हारी, वो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि बॉल आगे चली गई पीछे चली गई, तो उसके हिसाब से बॉडी को जो बैलेंस करना है, अगर बॉल आगे चली जाती है तो हमें आगे आके लेना होगा, पीछे चली जाती है पीछे जाना, किस बॉडी पार्ट को यूज कर लेना है उसके हिसाब से। तो वो देख सकते हैं आप, जैसे कहीं पे भी बॉल जाने लगे ये हो रहा है, समझ गए होगे आप। तो ये था हमारा जो एक प्रकार से जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। अब ये थाइस के साथ भी, तो एक बॉडी पार्ट से पहले सीखो फिर दूसरा बॉडी पार्ट पे आओ। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको इस बॉडी पार्ट से सीखना चाहिए कि जैसे ये पहली स्टेप थी, ऐसे ऐसे बस मारते रहो और बॉल को ऊपर उछालते रहो, रिवर्स डायरेक्शन में करो, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में ही, ये बिगनर्स के लिए है सबसे बढ़िया स्टेप है। और पहले लेफ्ट, पहले राइट को फिर लेफ्ट को, क्योंकि लेफ्ट हमारे साथ क्या होता है, हम एक पांव से तो किक मार पाते हैं दूसरे से मार नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमने जगलिंग की प्रैक्टिस दूसरे लेग से करी नहीं होती है, तो लेफ्ट लेग से भी ये काम करना चाहिए कि बस मारो फ्लिक करो, ठीक है। तो ये काम कर लोगे तो आपके दोनों पांव से किक भी लगने लग जाएगी। तो ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।